हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूएआरटी के बारे में। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूएआरटी। देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल एसिक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर। ये एक एसिक्रोनस होता है, जैसे कि आप इसकी फुल फॉर्म में भी यहाँ पे देख पा रहे हो। एसिक्रोनस और सिक्रोनस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एसिक्रोनस का मतलब होता है इसमें यहाँ पे कोई भी क्लॉक नहीं होती है, और सिक्रोनस का मतलब होता है जहाँ पे क्लॉक होती है लेकिन यहाँ पे कोई भी क्लॉक नहीं होती है। यहाँ जस्ट मैंने अभी आपको इसकी फुल फॉर्म बताई है, यूनिवर्सल एसिक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर इसकी फुल फॉर्म होती है। ए फिजिकल सर्किट इन माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में ये एक फिजिकल सर्किट होता है, यानी कि आपके पास एक माइक्रो कंट्रोलर है। अगर आप उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम को इंसर्ट करना चाहते हो या प्रोग्राम को कॉपी करना चाहते हो तो आप यूएआरटी की हेल्प से कर सकते हो। मेन पर्पस टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सीरियल डेटा। इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है डेटा को ट्रांसफर करना और रिसीव करना सीरियल डेटा को। यहाँ पे सीरियल डेटा की फॉर्म में ये रिसीव करता है और सेंड करता है। अब आप यहाँ पे समझिए इसको अच्छे से, ये यूएआरटी वन है, ये यूएआरटी सेकंड है। यहाँ पे ये कैसे डेटा को रिसीव और सेंड करता है ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये बिट वन, बिट टू, बिट थ्री, बिट फोर, बिट फाइव, बिट सिक्स, बिट सेवन तक है। एक बाइट के अंदर हमारी सेवन बिट होती है। इस साइड भी ऐसे ही है यहाँ पे सेम। और जो हमारा ये डेटा जो लेता है, ये डेटा बस है यहाँ पे। ये क्या है? डेटा बस। इधर से यहाँ पे ये क्या है? ये सारी की सारी यहाँ पे डेटा बस है। तो डेटा बस से ये डेटा को लेता है 01 की फॉर्म में। यहाँ पे 01011001 ये इस फॉर्म में डेटा को लेता है। और फिर ट्रांसमिट, ये क्या है यहाँ पे? ट्रांसमिट पिन है, ये रिसीवर पिन है। जब ये ट्रांसफर करती है डेटा को तो ये यहाँ पे ट्रांसफर कर देती है। जो यूएआरटी है ये रिसीव करता है तो ये रिसीव कर लेती है। और जब ये ट्रांसमिट करना चाहता है डेटा को तो ये इस पिन से ट्रांसमिट करता है, और यहाँ पे रिसीवर, इस साइड का रिसीवर यहाँ पे करता है। तो यूएआरट, यहाँ पे आप कोई भी सिस्टम समझ सकते हो। सिस्टम वन, ये सिस्टम टू है। ये सिस्टम वन का यूएआरट है, ये सिस्टम टू का यूएआरट है। तो जब डेटा को ये ट्रांसफर करता है तो इस पिन से करता है, रिसीव करता है तो इस पिन से। और जब ये यूएआरट टू यहाँ पे ट्रांसफर करता है तो इस पिन से करता है, और रिसीव इस पिन से करता है। अब आप यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। ये पैरेलल लेता है डेटा को, ये क्या है यहाँ पे? पैरेलल है। लेकिन जब ये डेटा को ट्रांसफर करता है तो ये सीरीज में करता है। यहाँ पे क्या है? 01011001 है। लेकिन जब ये सेंड करेगा, ये करेगा 01011001, यानी कि ये सीरियली करेगा, एक सीरियल बना देगा डेटा का, तब ये सेंड करेगा। और ये रिसीवर भी ऐसे ही रिसीव करता है। और जब ये आगे इसको ट्रांसफर करता है तो ये डेटा बस से यहाँ पे पैरेलली करता है, यानी कि ये फिर से हमारा डेटा पैरेलल फॉर्म में आ जाता है। अब आप इसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझिएगा अच्छे से। हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है दी ट्रांसमिटिंग यूएआरट रिसीव डेटा इन पैरेलल फ्रॉम दी डेटा बस। जो हमारी डेटा बस होती है, ये हमारी क्या है? डेटा बस है। तो डेटा बस से ये पैरेलल फॉर्म में डेटा को क्या करता है? रिसीव करता है, जो हमारा फर्स्ट यूएआरट होता है। मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे दी ट्रांसमिटिंग यूएआरट एड्स दी स्टार्ट बिट, पैरिटी बिट एंड स्टॉप बिट टू दी डेटा फ्रेम। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा यूएआरट होता है, जो ट्रांसमिट करता है, यानी कि जो हमारा ये है, ये यहाँ पे डेटा को लिया इसने, लेकिन इस डेटा में यहाँ पे ये स्टार्टिंग में क्या काम करेगा? एक स्टार्ट बिट को ऐड करेगा यहाँ पे स्टार्ट बिट को ऐड करेगा, और एक होगी यहाँ पे एंड बिट को भी ये यहाँ पे ऐड कर देगा। ये यहाँ पे है ना एंड बिट, ये यहाँ पे ऐड करेगा, और एक पैरिटी बिट को भी यहाँ पे ये ऐड करता है। ये किस लिए करता है? सपोज कीजिए हमारा ये यूएआरटी वन है, ये यूएआरटी टू है, ये डेटा को सेंड कर रहा है, लेकिन रिसीवर को यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि जो भी डेटा आ रहा है वो स्टार्ट हो चुका है? यानी कि जब ये यहाँ पे स्टार्ट बिट को ऐड करेगा तो इस स्टार्ट बिट से रिसीवर की साइड, जो हमारा यूएआरटी सेकंड है, इसको पता चल जाएगा कि इससे आगे जो भी डेटा आ रहा है, ये जो हमारा डेटा है, ये एक्चुअल डेटा है, ठीक है। और लास्ट बिट से हमें पता चल जाएगा कि डेटा का एंड हो चुका है, तो ये हम इसलिए ऐड करते हैं। और पैरिटी बिट जो होता है,
हम यहाँ पे ओड और इवन की फॉर्म में ऐड करते हैं, इवन और ओड की फॉर्म में हम इसको ऐड करते हैं। देखिए ओड क्या होता है, अगर इस डेटा में हमारे नंबर ऑफ वन की संख्या ओड है तो हमें पता चल जाता है, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इस डेटा के अंदर कि हाँ यहाँ पे ओड का मतलब होता है यहाँ पे जैसे कि 1, 3 और 5 है, हम यहाँ पे ओड या इवन लिख देते हैं कि ओड है या इवन है। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारी जो बिट है वो ओड है या इवन है, वन की जो हमारी वैल्यू है, ये जो वन की वैल्यू होती है बीच में। इससे एक तरीके से एरर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, एरर को पता लगाने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए हम पैरिटी बिट का यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे अच्छे से समझिए, ये हमारा UART है, हमारा ये एक्चुअल डेटा है। इस एक्चुअल डेटा में हम क्या काम करते हैं, एक स्टार्ट बिट को ऐड करते हैं, मैंने यहाँ पे +0 से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक पैरिटी बिट को हम यहाँ पे ऐड करते हैं और एक स्टॉप बिट को यहाँ पे हम ऐड करते हैं, जिससे कि रिसीवर साइड पे कंफर्म हो जाता है कि इस बिट से बाद में जो भी डेटा है वो एक एक्चुअल डेटा है। और एंड बिट से यानी कि स्टॉप बिट से ये कंफर्म हो जाता है रिसीवर को कि हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो खत्म हो चुका है, यानी कि ये जो हमारा डेटा है ये पूरा का पूरा एक्चुअल डेटा है। तो स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट से हमें ये सब पता चल जाता है। और जो पैरिटी बिट होती है इसका यूज करते हैं हम एरर को डिटेक्ट करने के लिए कि जो हमारा डेटा है वो सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि उसमें कोई भी एरर है या नहीं है, तो इसलिए हम इनका यूज करते हैं। हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ जाता है, द एंटायर पैकेट इज सेंट सीरियली फ्रॉम ट्रांसमिटिंग UART टू द रिसीविंग UART। देखिए इसमें बताया गया है जो हमारा जो पैकेट है पूरा का पूरा, यानी कि जो डेटा है वो पूरा का पूरा जो पैकेट है जब वो सेंड होता है तो सीरियली होता है, सीरियल फॉर्म में होता है। कहाँ से होता है, ट्रांसमिटिंग UART से रिसीविंग UART। अब यहाँ पे समझिए UART 1 है, UART 2 है, जब ये डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट होगा तो ये सीरियली होगा, ठीक है, पैरेलल नहीं होगा, सीरियल होगा। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, द रिसीविंग UART डिस्कार्ड द स्टार्ट बिट, पैरिटी बिट एंड स्टॉप बिट फ्रॉम द डेटा फ्रेम। जो हमारा पूरा का पूरा डेटा होता है ये स्टार्ट बिट को, पैरिटी बिट को और स्टॉप बिट को डिस्कार्ड कर देता है, यानी कि रिमूव कर देता है। इसको बस एक यहाँ पे एक्चुअल डेटा चाहिए, ठीक है। ये हम किस लिए ऐड करते हैं, जिससे कि रिसीवर को कंफर्म हो सके कि कहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो जब उसको पता चल जाता है तो ये स्टार्ट बिट, पैरिटी बिट और स्टॉप बिट को रिमूव कर देता है और एक एक्चुअल डेटा इसको मिल जाता है। फाइव पॉइंट है यहाँ पे, द रिसीविंग UART कन्वर्ट्स द सीरियल डेटा बैक इनटू पैरेलल एंड ट्रांसफर इट टू द डेटा बस ऑन द रिसीविंग एंड। देखिए इस लाइन का सिंपल सा मतलब है, अब आप यहाँ पे देखिए, जब ये यहाँ पे UART 1 से डेटा को रिसीव करता है किस फॉर्म में करता है, सीरियली करता है यहाँ पे, लेकिन इस सीरियल डेटा को ये पैरेलल डेटा में फिर से कन्वर्ट कर देता है। और जो भी इसकी ये बस है, ये यहाँ पे क्या है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, आगे कनेक्ट हो सकता है, ये इस डेटा को पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट करके डेटा बस को दे देता है, तो हमारा ये डेटा आगे चला जाता है। तो इसमें यही बताया हुआ है। देखिए अब आप यहाँ पे अच्छे से समझिए, पैकेट क्या होता है, पैकेट होता है जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्चुअल डेटा है, ये 5 से 9 बिट का हो सकता है, तो ये क्या है, एक्चुअल डेटा। जब हम इसमें स्टार्ट बिट और पैरिटी बिट और स्टॉप बिट को ऐड कर देते हैं तो हम उसको पैकेट बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है, देखिए जो स्टार्ट बिट होती है ये हाई से लो हो जाती है, तो रिसीवर को यहाँ पे पता चल जाता है कि अब आगे जो आएगा वो पूरा का पूरा डेटा आएगा, तो ये यहाँ पे क्या है, हाई से क्या हो गई, लो हो गई, लो हो गई यहाँ पे, यानी कि 0 हो गई, ठीक है। फिर जो हमारा एक्चुअल डेटा है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद में हमारी पैरिटी बिट यहाँ पे ऐड हो जाएगी, 0 और 1 हमारी पैरिटी बिट यहाँ पे हो सकती है। पैरिटी बिट का यूज हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि नंबर ऑफ वन ओड है या इवन है, इससे हम एक तरीके से एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी स्टॉप बिट होती है वो हाई हो जाती है, जिससे कि रिसीवर साइड को पता चल जाता है कि अब इसका एंड हो चुका है, तो ये यहाँ पे इस डेटा का पता लगा लेता है कि एक्चुअल डेटा क्या है। अब जो हमारी यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू है रिसीवर की साइड, ये इसको रिमूव कर देता है और स्टॉप बिट को भी रिमूव कर देता है और पैरिटी बिट को भी रिमूव कर देता है, तो इसको यहाँ पे एक्चुअल डेटा मिल जाता है। तो जो हमारा UART होता है वो ऐसे ही काम करता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।